Hello and welcome back. Who was the first to make a systematic study of how children develop understanding and thinking? सबसे पहले किसने ये systematic study किया था कि बच्चे जो हैं children किस तरह से understanding और thinking को develop करते हैं? Swiss psychologist Jean Piaget. Jean Piaget. Who was the first to make a systematic study of how children develop understanding and thinking? Swiss psychologist Jean Piaget. पियागेट्स फोर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. पियागेट का ने चार स्टेजेस दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का. एक है, पहला है सेंसरी मोटर स्टेज. सेंसरी मोटर स्टेज के बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है वो बर्थ से लेकर के 2 साल तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से 7 साल, 2 years to 7 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 7 years to 11 years एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 years to adulthood. एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल थ्योरी, जो साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी बोला जाता है, तो साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये एरिक्सन ने दिया था. सो एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल थ्योरी है. इसमें सबसे पहला स्टेज आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. ये होता है बर्थ से लेकर के 1.5 साल तक, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. फिर सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. सो पहला साल में क्या होता है ना, ट्रस्ट डेवलप होता है किसी के लिए, मिसट्रस्ट हो जाता है. जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में जो रहते हैं तो उनको लगता है कि हाँ वो उनके पेरेंट्स हैं, बाकी किसी और के पास जाना नहीं चाहता है वो, तो उनको मिसट्रस्ट डेवलप होता है. तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये 0 से लेकर के 1.5 साल तक. फिर दूसरा है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. तो किसी चीज़ में उसकी खुद की ऑटोनॉमी होनी चाहिए या फिर वो किसी चीज़ के लिए शेमफुल फील करता है, उसमें शेम लगता है, उसको डाउट फील होता है. तो 1.5 साल से लेकर 3 years तक, तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम वर्स एंड डाउट. फिर है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यह होता है 3 साल से 7 साल, सो 3 to 7 years, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. फिर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी. इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, ये 7 से 12 years. फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, 12 से 18 years. फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये 18 से 30 years. फिर जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन, 30 से 60 years. और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्गस्ट, ये 60+ years. कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये 3 levels के होते हैं, level 1, level 2, level 3. जो level 1 होता है वो प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, level 2 कन्वेंशनल लेवल होता है और level 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है. जो level 1 होता है वो एज ग्रुप होता है 4 से लेकर के 10 साल तक के बीच. level 2 जो कन्वेंशनल लेवल होता है वह 11 से 13 साल. और level 3 जो होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 13+. जो level 1 है प्री कन्वेंशनल लेवल, इसमें 2 stages होते हैं, एक होता है पनिशमेंट, दूसरा होता है रिवॉर्ड. level 2 कन्वेंशनल लेवल, इसमें गुड और बैड क्या होता है या फिर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जानकारी. और level 3 यहाँ पे डेवलपमेंट होता है जिससे 2 stages होते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल. फिर है फ्रीड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. फ्रीड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, पहला स्टेज है ओरल स्टेज. ओरल स्टेज में जो बच्चे होते हैं ना उनको वो सेक्सुअल प्लेजर मुंह से मिलता है. सेकंड इज़ एनल स्टेज. एनल स्टेज में द किड्स टेक प्लेजर, कि मतलब वो अपने एनस से पॉटी को रोकेंगे, उसको निकालेंगे. सो बॉडी के एक्सक्रीटरी पार्ट्स को, मतलब उसे साथ में प्लेजर, तो वो एनल बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को रोकना और उसको निकालना, उसमें वो प्लेजर फील करते हैं. सो वो एनल स्टेज है. फिर जेनिटल स्टेज. जेनिटल स्टेज में kids used to love playing with their genitals. फिर है latency stage. latency stage में फिर यहाँ पे क्या होता है कि इसमें थोड़ा गुस्सा फील होता है. एंड देन phallic stage. phallic stage में आपका puberty develop होती है and it develops the type of love and feeling and sexual intercourse and pleasure. सो फ्रीड्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल सेक्सुअल डेवलपमेंट, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, जेनिटल स्टेज, लेटेंसी स्टेज और फिर है फैलिक स्टेज. कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दिया था किसने, डैनियल गोलमैन ने. इमोशनल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स फॉर मोटिवेटिंग आवर सेल्स एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस
well in ourselves and in our relationships. फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, एम्पथी और सोशल स्किल्स. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, एम्पथी और सोशल स्किल्स. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, एम्पथी और सोशल स्किल्स. रिकैप करते हैं. Who was the first to make a systematic study of how children develop understanding and thinking? Swiss psychologist Jean Piaget. Piaget's four stages of cognitive development: sensory motor stage, that is birth se leke 2 years, फिर है pre operational stage 2 years से 7 years, concrete operational stage 7 to 11 years, formal operational stage 11 years to adulthood. Erikson's psychological theory, that is psychological stages of development: trust versus mistrust 0 to 1.5 years, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट 1.5 to 3 years, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 3 to 7 years, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी 7 to 12 years, फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन 12 to 18 years, फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन 18 to 30 years, फिर जेनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन 30 to 60 years, और इंटीग्रिटी वर्सेस डिसगस्ट 60+ years. कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट 3 levels के होते हैं: level 1, level 2, level 3. level 1 में प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, level 2 इज कन्वेंशनल लेवल, level 3 इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल. level 1 में प्री कन्वेंशनल लेवल होता है 4 to 10 years, फिर 11 to 13, फिर 13+ years. सो level 1 में दो स्टेजेस होते हैं, एक पनिशमेंट और एक दूसरा होता है रिवॉर्ड. फिर है level 2 कन्वेंशनल लेवल, इसमें दो स्टेजेस होते हैं, गुड एंड बैड, लॉ एंड ऑर्डर. level 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल. फ्रीड थ्योरी ऑफ साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट: ओरल स्टेज, फिर एनल स्टेज, जेनिटल स्टेज, लेटेंसी स्टेज और फिर फैलिक स्टेज. कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय डैनियल गोलमैन. इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स फॉर मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस वेल इन आवरसेल्व्स एंड इन आवर रिलेशनशिप्स. 5 कॉम्पोनेंट्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, एम्पथी एंड देन सोशल स्किल्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.